भगवान जगन्नाथ का सबसे बड़ा राज। हवा के विपरीत क्यों लहराता है ध्वज? चमत्कारिक सुदर्शन चक्र का क्या है रहस्य? मंदिर में क्यों रूप बदल लेती है मूर्ति? भगवान जगन्नाथ का मंदिर सनातन परंपरा से जुड़ा आस्था का ऐसा पावन धाम है जो अपने भीतर तमाम रहस्यों को समाहित किए हुए है। बेहद अलौकिक पुरी के इस पावन धाम से जुड़ी कई बातें आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। सैकड़ों साल पहले एक ऐसे रहस्य ने जन्म लिया जो आज भी लोगों को हैरान करता है। एक विशालकाय गुंबद वैज्ञानिकों के लिए पहेली बन गया है। ऐसा गुंबद जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है, लेकिन ये अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए है जो आज तक बेपर्दा नहीं हुए हैं। आज हम आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़े 5 रहस्यों को बताएंगे। हवा के विपरीत क्यों लहराता है ध्वज? भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लहराते इस ध्वज को देखिए, ये बहुत रहस्यमयी है। पौराणिक मान्यता है कि ये ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, यानी कि अगर हवा पूरब से पश्चिम में बह रही है तो ये ध्वज पश्चिम से पूरब की ओर लहराएगा। ऐसा किस वजह से होता है ये तो वैज्ञानिक भी नहीं जानते, लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक है। ये भी आश्चर्य है कि हर रोज शाम को मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को उल्टा चढ़ा कर बदला जाता है ताकि ऐसा लगे कि ये सीधी दिशा में लहरा रहा है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। क्यों नहीं बनती गुंबद की छाया? ये दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। ये मंदिर 4,00,000 वर्ग फुट में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है और इसकी छाया में छुपा है एक गहरा राज, क्योंकि इस गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है, यानी कि इसकी छाया दिखाई ही नहीं देती। पुरी के मंदिर का ये भव्य रूप 7वीं सदी में बनाया गया था। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। इस मंदिर से ऊपर लगे इस सुदर्शन चक्र को देखिए। पौराणिक मान्यताएं हैं कि पुरी में आप कहीं भी खड़े हो, हर जगह से मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को आप देख सकेंगे। किसी भी दिशा से देखने पर लगता है कि ये सुदर्शन चक्र आपके सामने ही है, यानी हमेशा से सामने ही दिखाई देता है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये अष्ट धातु से बना है और बेहद पवित्र माना जाता है। यहाँ हवा की दिशा को लेकर भी कई कथाएं हैं। आम दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। गुंबद के ऊपर क्यों नहीं उड़ते पंछी? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या फिर आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। अधूरी प्रतिमा की क्यों होती है पूजा? पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान की मूर्ति बनाते बनाते जब विश्वकर्मा को काफी समय बीत गया तो एक दिन उत्सुकतावश राजा इंद्रद्युम्न उनसे मिलने पहुंच गए। राजा को आता देखकर शर्त के अनुसार विश्वकर्मा वहां से चले गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी रह गईं। ये देखकर राजा को काफी दुख हुआ, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। तब राजा इंद्रद्युम्न ने विशाल मंदिर बनवाकर तीनों मूर्तियों को वहां पर स्थापित करवा दिया।